स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज मैं आपके साथ मुंबई चौपाटी स्टाइल भेलपुरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाते हैं और आप इसे शाम के नाश्ते में परोस सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है भेल 2 कप के करीब, इसे हम अपने भाषा में मुढ़ी भी बोलते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे अमचूर की चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी मैं लिंक में दे दूंगी। इसके साथ हमने यहाँ पे रोस्टेड पीनट ले लिया है, कद्दूकस की हुई मूली ले ली है, इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे, कद्दूकस की हुई चुकंदर डाल लेंगे, कद्दूकस की हुई गाजर ले लेंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर ले लेंगे। बारीक कटा हुआ यहाँ पे हम खीरा ले लेंगे और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ले लेंगे साथ के साथ। और इसमें हम आगे डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू। बॉईल किया हुआ आलू बिल्कुल गर्मा गर्म यूज़ ना करें, इसे पहले ही बॉईल करके और इसे बारीक काट लें। इसमें जाएगा धनिया पुदीने का चटनी, इसकी भी रेसिपी मैं लिंक में दे दूंगी। यहाँ पे जाएगा भुना जीरा का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और ये बारीक वाली सेव। साथ के साथ हम यहाँ पर कच्चा सरसों का तेल ले लेंगे। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हटा लेते हैं बनाने के लिए। इसी कंटेनर में हम बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले डाल लेंगे आलू, इसमें डाल लेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्च अगर आप नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल ना डालें, और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें चला जाएगा सरसों का तेल, मैं सरसों के तेल को 2 बार में डालूंगी। अभी 1 छोटा चम्मच डाला है, इसके बाद मैं फिर से डालूंगी। इसमें जाएगा कद्दूकस किया हुआ मूली, मूली का कलर रेड हो गया है क्योंकि इसे मैं बीट के साथ ही क्रश की थी। साथ के साथ इसमें चला जाएगा गाजर कद्दूकस किया हुआ, इसमें चला जाएगा कद्दूकस किया हुआ बीट। बहुत ही हेल्दी होती है ये, बच्चों को आप दे सकते हैं। टमाटर डाल देंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। खीरा डाल देंगे। अगर दोस्तों आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें बारीक काट के प्याज भी डाल सकते हैं, वरना इसका टेस्ट ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। धनिया का पत्ता डाल देंगे। बिल्कुल चौपाटी स्टाइल मैं बना रही हूँ। में जितने भी मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और भुना जीरा का पाउडर डाल देंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप कभी भी बना सकते हैं इसे। चटपटा सा नाश्ता है ये। तब हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली के दाने, इसे शिंग दाना भी बोला जाता है, ये रोस्टेड है। थोड़ा सा सरसों तेल और डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब। अब हम इसमें चटनी डाल देते हैं, धनिया पुदीने की चटनी के साथ ये जो भेल पूरी का जो स्वाद होता है ना, वो दोगुना हो जाता है। इसमें चला जाएगा अमचूर की चटनी। अमचूर की चटनी बिल्कुल 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। इसे अच्छे से मिला लें तो हमारा भेल पूरी बन के बहुत ही जल्दी रेडी हो गया ये। अब मैं इसे पत्ते में सर्व करूंगी। जनरली इसे ठोंगे में सर्व किया जाता है, तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ न्यूज़पेपर या कोई सा भी जो लिखा हुआ पेपर होता है। तो इसके बाद इसमें जितने भी मसाले सूखे वाले ऊपर से डाल देंगे और ये बारीक वाली सेव डाल देंगे। तो देखा कितना जल्दी बन के रेडी हो गया ये। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा दोस्तों। तो है ना इजी और बनाना बहुत ही आसान। तो ये देखिए टेम्पटिंग सा भेलपूरी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस डिश को शेयर करिएगा। थैंक्स।